फल की मूठ पकड़ने के बाद कोई पीछे मुड़कर देखता है, वह स्वर्ग के राज्य के योग्य नहीं है। आत्मदर्शन टीवी के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज का सुसमाचार पाठ संत लुकस रचित सुसमाचार से लिया गया है, अध्याय 9 पद संख्याएं 57 से 62 तक। आज के सुसमाचार में हम तीन नौजवानों को देखते हैं जो प्रभु के शिष्य बनने के उम्मीदवार बनकर उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। प्रभु यीशु यरूशलेम की ओर जा रहे थे, निसंदेह उनके साथ बहुत बड़ी संख्या में उनके अनुयायी थे। उस बीच तीन व्यक्ति उनके सामने आकर अपनी उम्मीदवारी पेश करते हैं। पहला व्यक्ति प्रभु के सामने आकर कहता है, आप जहां कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। बड़े आत्मविश्वास के साथ वह प्रभु का शिष्य बनना चाह रहा था, लेकिन प्रभु उन्हें समझाते हैं, लोमड़ियों की अपनी मानदे हैं, आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। प्रभु का कहने का तात्पर्य यह है कि चलो तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो, अच्छी बात, लेकिन ऐसे झूठे आश्वासन में ना रहना कि मेरा शिष्य होने से तुम्हें जीवन भर सुख सुविधाएं मिलेंगे। मेरा खुद का उदाहरण देखो, मैं स्वयं एक निर्धन व्यक्ति हूं, मेरा अपना कहने लायक कोई घर नहीं है, तो मेरे शिष्यों की भी यही दिशा होगी। दूसरा व्यक्ति कहता है, प्रभु मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। ईसा ने उससे कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो, तुम जाकर ईश्वर के राज्य का प्रचार करो। प्रभु के इस उत्तर को सुनकर हमें लगता है कि प्रभु उस नौजवान के साथ इतने कठोर दिल के साथ क्यों बात की, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उसने जब कहा कि मुझे अपने पिता को दफनाने दीजिए, इसका यह मतलब नहीं था कि उसका पिता मर चुका था। उसका कहने का तात्पर्य यह था कि मैं आपका शिष्य बनने के लिए इच्छुक हूं, लेकिन अभी नहीं, मैं अभी घर जाऊंगा, अपने माता पिता को संभालूंगा और उनके मृत्यु के बाद सारी जिम्मेदारियां निपटाने के बाद मैं आऊंगा और आपका अनुसरण करूंगा। तब प्रभु ने कहते हैं, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो, तुम जाकर ईश्वर के राज्य का प्रचार करो। प्रभु का कहने का तात्पर्य है कि तुम्हारे लिए उपयुक्त समय अभी है, तुम्हें बुलावा अभी मिला है, इसको कल के लिए ना रखो। मनोवैज्ञानिकों का कहना है, यदि हमारे दिलो दिमाग में कुछ अच्छी चीज करने की इच्छा या प्रेरणा जाग उठी तो उसे तुरंत कर देने चाहिए। अगर हम उसे आगे के लिए टाल देते हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे, अगले हफ्ते करेंगे,
तो अक्सर होता यह है कि वो काम होगा ही नहीं। प्रभु उस जवान से कहते हैं, देखो तुम्हारे लिए उपयुक्त समय अभी है, तुम अभी मेरा अनुसरण करो, तुम्हारी इस इच्छा को, तुम्हारे लिए जो मेरा अनुसरण करने की प्रेरणा मिली है उसे अभी टालो नहीं, तुरंत मेरा शिष्य बन जाओ, ईश्वर के राज्य का प्रचार करो। तीसरा कहता है, प्रभु मैं आपका अनुसरण करूंगा परंतु मुझे अपने घर वालों से विदा लेने दीजिए। उसके लिए भी प्रभु का सही उत्तर है। प्रभु कहते हैं, हल्की मूठ पकड़ने के बाद जो मुड़कर पीछे देखता है वह ईश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। जो अच्छा किसान है वो मूठ पकड़ने के बाद आगे देखता है, पीछे मुड़कर देखते हुए कोई हल नहीं चला सकता है। प्रभु कहता है, जो पीछे देखता रहता है, अतीत पर ध्यान देते रहता है, जो आगे के नहीं सोच सकता है वह उनका कार्य नहीं कर सकता। प्रभु के शिष्य होने के लिए उसे उसके मन में एक सकारात्मक सोच चाहिए, वो आगे के सोचने की व्यक्ति होना चाहिए, हमेशा पीछे मुड़ते हुए अतीत पर विचार करते हुए रहने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। तो इन तीनों उम्मीदवारों को प्रभु चैलेंज करते हैं, उन्हें चुनौती भरे शिक्षा देते हैं। एक कि उनका अनुसरण करना इतना आसान नहीं है, उनके अनुसरण करने से सांसारिक सुख सुविधाएं उपलब्ध हो इसका कोई आश्वासन नहीं है। दूसरी और, जो प्रभु के कार्य करने की तीव्र इच्छा मन में जाग उठती है उसे तुरंत ही बिना विलंब किए उसको करना चाहिए। और तीसरी बात, हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। एक बार प्रभु की बुलाहट को हमने स्वीकारी तो बिल्कुल इच्छा शक्ति के साथ, पूरे विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है प्रभु की सेवा में, ख्रीस्त में। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के शिष्य बनने के इन शर्तों को आइए हम भी गंभीरता से ले, हम भी प्रभु की इन चुनौतियों को स्वीकार करें। प्रभु के वर्तमान शिष्य होने के नाते प्रभु के द्वारा रखे गए इन शर्तों को हम अपने जीवन में, अपने मिशनरी जीवन में, अपने ख्रीस्ती जीवन में पूरी तरह साकार करने की पूरी प्रयास करें। प्रभु इसके लिए हमारी सहायता करें। आमीन।